जीएसटी व्यापार करने का, बिजनेस करने का एक संपूर्ण नया जो है तरीका, इट इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज पे सोचें, एज बिजनेस ओनर्स जो लोग बिजनेस चलाते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप इस कानून को समझें, इसके तौर तरीकों को खुद समझें, और सिर्फ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपने टैक्स कंसल्टेंट पे ही रिलाय ना करें। ये इस चीज में आपकी भलाई है, ये इस चीज पे आपको फायदा होगा, तो इसको सीखना जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे इस कानून का जो आपके बिजनेस पे जो है क्या इंप्लीकेशन है, ये आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अंत में हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें वो करनी होगी जिससे आप अपने बिजनेस को जीएसटी की तरफ जो है ट्रांजिशन पे लेके जाए, जीएसटी की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि जीएसटी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉ है। आज काफी समय तक सुबह से हम सब की ये बातचीत हो रही है, अभी हमारा एक पैनल था क्लाउड कंप्यूटिंग पे, वो भी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो है चलता है। लेकिन जीएसटी एक कंप्लायंस का ऐसा कानून है जो फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो दोस्तों, आप में से वो जो आज अभी भी ये समझ और ये सोच में डूबे हुए हैं कि कागज के पन्ने से व्यापार चलेगा, जो कि आज के आज का रिवाज है कि हम अपनी रिटर्न फाइल करेंगे 40 फॉर्म भर के, आज अगर हम देश में देखें करीबन 29 राज्यों में VAT के लिए कुल मिला के 347 फॉर्म है अलग। आगे चल के ये फॉर्म्स नहीं रहेंगे, और ये कानून जो है कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन कानून है। तो इस कानून को अपनाने के लिए और अपने बिजनेस में लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप में से सब जो है टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जीएसटीएन के बारे में समझे, और ये समझे कि ये कानून जो है टेक्नोलॉजी कैसे यूज करता है आपके बिजनेस को कंप्लाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि जीएसटी क्या है और क्यों लागू होना है, क्यों इस कानून को लेके जो है सरकार आई है। और मेरे साथ स्टेज पे खड़े हैं मेरे सहकर्मी श्री तरुण कुमार, जो पंजाब राज्य के जो है टैली के अध्यक्ष हैं, वो भी मेरे को सपोर्ट करेंगे इस प्रेजेंटेशन में, और आपको जो है बहुत सारी चीजों के बारे में और विस्तृत में जो है जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। ये एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है, ये पूरे कंट्री में सिंगल टैक्स है, इट इज अ वन टैक्स वन नेशन, जिसके तरफ हम जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारी पूरी इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन एट सोर्स है, जीएसटी जो है इज ए डेस्टिनेशन टैक्स, जहां पे वस्तु या सर्विस कंज्यूम होगा टैक्स वहां पे लागू होगी, ना कि ओरिजिन में। तीसरी चीज, ये हर सप्लाई पे जो है लागू होगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, सप्लाई, ये शब्द सप्लाई, जीएसटी के रेजिम में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, हम सब सप्लायर हैं। आप किसी को सप्लाई करते हो, वो आपका कस्टमर है, आपका कस्टमर किसी और को सप्लाई करता है, वो भी एक सप्लायर है। कोई मैन्युफैक्चरर, कोई ट्रेडर, कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है नहीं है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि सिर्फ वैल्यू जो ऐड किया जा रहा है चेन में, सिर्फ उसी पे टैक्स होगा, टैक्स ऑन टैक्स जो आज का पॉलिसी है वो नहीं होगा। हम वीएटी पे करते हैं एक्साइज पे, एक्साइज पेड प्रोडक्ट पे, जो वो प्रोडक्ट जब ट्रेड में जाता है या चैनल में जाता है या बिक्री के तहत कस्टमर तक पहुंचता है, तो उस प्रोडक्ट पे वीएटी लगता है, विच इज एक्चुअली अगर आप देखें तो वो टैक्स ऑन टैक्स है। आगे चल के देयर विल ओनली बी अ सिंगल पॉइंट टैक्सेशन, और वो टैक्स पूरे चेन पे वैल्यू एडिशन पे जो है लागू होता रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी आज के तारीख में इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो सारे टैक्सेस नहीं रहेंगे और उनके जगह पे सिर्फ एक ही टैक्स होगा, विच इज जीएसटी।
आगे बढ़ते हैं, आज का मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम देखें मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर दो भागों में जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लागू करती है उसमें सबसे बड़ा टैक्स है एक्साइज, दूसरा टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है जिसमें सबसे बड़ा टैक्स है VAT, उसके आगे CST जो इंटर स्टेट के लिए लागू होती है जिसपे आज हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, उसके आगे परचेस टैक्स, सेस, अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके के जो है टैक्सेस, लोकल टैक्सेस जो है लागू करती है। कुछ स्टेट्स है हमारे जहाँ पे ऑक्ट्रॉय लगता है, LBT लगता है, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे नहीं लगता है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस देखें तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज है, ये बड़े बड़े टैक्सेस जो है ये सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं। आगे चल के GST में तीन तरीके के टैक्सेस होंगे। एक होगा CGST जो कि सेंट्रल GST कहलाएगा। CGST में जो भी टैक्स कोई भी पेमेंट करेगा वो टैक्स जो है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा। दूसरा है SGST जिसको स्टेट GST या स्टेट लेवल GST कहा जा रहा है। वो कर जो है वो कर सीधा डायरेक्टली जाएगा स्टेट जो राज्य है, जैसे पंजाब में हम आज बैठे हैं, पंजाब के ट्रेजरी में ये टैक्स जो है जाएगा। और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स जो है इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं जिसका नाम है IGST। IGST का मायने हुआ इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड GST लागू होगा इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि आज तक हम इंटरस्टेट सप्लाई करते आए हैं CST पे। CST का रेट जो है कम सरकार ने इसलिए रखा है ताकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिटेबल ना हो। और आज व्यापारी CST को जो है अपने खर्चे में लेके चलता है, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर में जो है लेके CST आगे बढ़ता है। लेकिन आगे चल के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, IGST और CGST प्लस SGST सेम होगा, सेम रेट पे होगा। इसका असर आप पे क्या है? दो तरीके के असर होंगे। एक ये कि आप एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सप्लायर, एज अ ट्रेडर, आप भारत के किसी भी कोने में निश्चिंत होके जो है व्यापार कर सकते हैं। आज अगर आप देखें तो हर स्टेट में VAT अलग है कि नहीं? यस। आगे चल के हर स्टेट में CGST और SGST लागू होगा और आप इंटरस्टेट सप्लाईज करेंगे IGST जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिटेबल है। तो आपके चेन में इंटरस्टेट सप्लाईज में जो भी आगे का वैल्यू एडिशन होगा उसका क्रेडिट आपका बिजनेस जो है अवेल कर सकता है, आपका बिजनेस और ज्यादा जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है CGST, SGST और IGST में। इसके आगे हम चलते हैं कि CGST में कौन से जो है टैक्सेस इंक्लूड हो जाएंगे, SGST में कौन से टैक्सेस इंक्लूड होंगे और IGST में क्या है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। CGST में मतलब मिसाल के तौर पे अगर देखी जाए तो ऑब्वियस है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस है वो सारी जो है CGST में जो है सब्ज्यूम हो जाएंगी। जो स्टेट लेवल की जो टैक्सेस है वो सारे स्टेट GST में जो है सब्ज्यूम हो जाएंगी। और जो इंटर स्टेट वाले जो ट्रांजैक्शंस के लिए टैक्सेस है, CST बिंग द बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा जो है उसमें CST है, वो सब्ज्यूम हो जाएगा IGST, राइट? इसके आगे चलते हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज। डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ कि CGST कब लागू होगा, SGST कब लागू होगा और IGST कब लागू होगा। तो एक बड़े ही सिंपल से डायग्राम से हमने कोशिश करा है आपको इस चीज को समझाने के लिए कि मिसाल के तौर पे अगर आप पंजाब के बिजनेसमैन हो, पंजाब में आपका फैक्ट्री है, पंजाब में आपका वेयरहाउस है, पंजाब में आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पंजाब में आपका इंपोर्ट का जो है कारोबार है, जो भी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दोस्तों बहुत अहमियत रखती है। प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सेल, GST के रेजिम में आगे चल के आप देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बस
काफी सही है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है ये लागू होता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज में। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप पंजाब में हैं और आपकी सप्लाई पंजाब में है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सेल अगर पंजाब है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है और अगर आपका प्लेस ऑफ सेल दिल्ली है, पंजाब का बहुत माल जो है काफी सारा कारोबार दिल्ली के साथ होता है, तो तब जो है आईजीएसटी लागू होगा। तो अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, इंट्रा स्टेट सप्लाईज जो है उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होगा, और इंटर स्टेट सप्लाईज में जो है अंतरराज्य सप्लाई में लागू होगा आपका आईजीएसटी। तो इतने टाइम में हमने क्या क्या सीखा कि एक ये टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉ है, टेक्नोलॉजी को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए आगे चल के, यूनिफाइड लॉ है, जितने सेंट्रल और स्टेट लेवल टैक्सेस थे और लेवीज थे और सेस थे वो सारे मिलके अभी तीन तरीके के जो है टैक्सेस लागू होंगे हमारे ऊपर, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स मतलब सबसे पहले शुरू करेंगे हम रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ? रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि आज आपका व्यापार जो है समझिए आप वैट में जो है रजिस्टर्ड है, डिपार्टमेंट के पास, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका ईमेल आईडी है, आपका फोन नंबर है, आपका प्लेस ऑफ एड्रेस है, आपके फर्म्स जो है उसका जो है डेटा डिपार्टमेंट के पास है। तो ये आगे चल के जो है VAT से आप माइग्रेट करेंगे, आपका बिजनेस माइग्रेट करेगा GSTIN पे, GSTIN, और ये एक यूनिक नंबर होगा जिसके तहत आप एज अ सप्लायर दूसरे सप्लायर के साथ जो है आप व्यापार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एक है टाइप ऑफ रिटर्न, जीएसटी में कौन कौन से टाइप ऑफ रिटर्न होंगे जो आपको भरना होगा, और एक नया कॉन्सेप्ट दोस्तों जिसे कहा जा रहा है इनवॉइस मैचिंग। इनवॉइस मैचिंग हमारे व्यापार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बिजनेस बिहेवियर के लिए, तौर तरीकों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इनवॉइस मैचिंग जो है सर ये आपका अकाउंटेंट नहीं करेगा, ये इनवॉइस मैचिंग जो है ये कागजी कलम में जो है नहीं होगा, ये इनवॉइस मैचिंग जो है ये आपके दिमाग में नहीं होगा, ये फोन कॉल पे नहीं होगा सर, ये इनवॉइस मैचिंग होगा टेक्नोलॉजी के जरिए, ये इनवॉइस मैचिंग होगा वेबसाइट के जरिए, ये इनवॉइस मैचिंग होगा आपके सॉफ्टवेयर के जरिए। तो अगर आपकी निगाहें जो है सॉफ्टवेयर पे नहीं है और इनवॉइस के करेक्टनेस पे नहीं है तो ये इनवॉइस मैचिंग करना बहुत मुश्किल काम है आपके लिए। इनवॉइस मैचिंग के लिए तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, पहली बात इनवॉइस टाइम पे जनरेट होनी चाहिए, दूसरी बात इनवॉइस कंप्लीटली जनरेट होनी चाहिए, तीसरी बात इनवॉइस करेक्टली जनरेट होनी चाहिए, और हम आगे चल के देखेंगे कि इनवॉइस मैचिंग होगा कैसे, जो कि हमारे पूरे प्रेजेंटेशन का सबसे अहम स्लाइड है कि इनवॉइस मैचिंग का प्रोसेस और रिटर्न का प्रोसेस जीएसटी में कैसे किस तरीके से जो है डिफाइन किया गया है ताकि व्यापारी जो है टेक्नोलॉजी का यूज करे और अपनी इनवॉइस मैच कराए, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो इनवॉइस मैच नहीं होगा, बड़ा सीधा सरल हिसाब है जीएसटी का, उस इनवॉइस के लिए आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर हम ये मान के चले कि जीएसटी का रेट ज्यादातर कमोडिटीज के लिए 18% है,
इस 18% इनपुट क्रेडिट को ना मिलने का जो इंपैक्ट है वो आपके बिजनेस में बहुत भारी पड़ेगा। अगर आपका कारोबार लंबा है, अगर आपका कारोबार ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो ये 18% का जो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा ये आपके बिजनेस में बहुत भारी पड़ सकता है। तो इनवॉइस मैचिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे आप, थोड़ा और विस्तृत जानकारी हम देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे बैठे शायद सभी लोग जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल आइदर एस सेल वैट और एस बी ए टी और वट एवर इवन फॉर द केस ऑफ सर्विस टैक्स। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर ये टैक्स जो है, ये कानून जो है ना, ये पूरे चेन पे लागू होती है। ये आपके सप्लायर पे भी लागू है, आप पे भी लागू है, आपके कस्टमर पे भी लागू है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आपका सप्लायर कंप्लायंट नहीं है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप कंप्लायंट नहीं है, आपके कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो पूरे चेन को कंप्लायंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि चेन इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सके। और ये क्रेडिट बैंक का क्रेडिट नहीं है सर, ये ऐसा नहीं है कि सरकार आपको रिफंड देगी, ये ऐसा नहीं है कि आप जाके डिपार्टमेंट के सामने जाके एक अर्जी देंगे कि जी मेरे पैसे कहाँ गए। ये प्रोविजनल क्रेडिट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रहेगा और आपके नेक्स्ट पेएबल टैक्स से जो है डिडक्ट होता रहेगा। तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सप्लायर्स और कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लायंट हो। और आपके कंप्लायंस और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए और भी इंपॉर्टेंट है कि आपका सप्लायर जो है कंप्लायंट हो। तो थोड़ी सी बातें हम करेंगे ये सारे टॉपिक्स पे। सबसे पहले हम चालू करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। सरकार का ये मानना है कि अगर आपका बिजनेस समझिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है और 26 नवंबर के बाद एक नोटिफिकेशन नया भी आया है कि 3 और स्टेट इसमें ऐड हो गए हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और जेएनके। तो अगर आपका बिजनेस 10 लाख के ऊपर का है, एग्रीगेट बिजनेस, मतलब आपके फॉर्म 20 हो सकते हैं लेकिन अगर 200 का जो है टर्नओवर 10 लाख के ऊपर है तो आपको जीएसटीआईएन में कंपलसरीली जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। बाकी राज्यों में ये वैल्यू जो है 20 लाख है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो सरकार आपको बोल रही है कि आप एज ए रेगुलर डीलर जो है खुद को रजिस्टर करें, नॉट एज ए कॉम्पोजिट डीलर। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा, अखबारों में आएगा, आपकी ईमेल आईडी में आएगा। बहुत हमारे छोटे व्यापारी हैं, आपके सप्लायर्स होंगे, वेंडर्स होंगे जिनके साथ आप काम करते हैं, जो खुद जो है ईमेल इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, वो अपने टैक्स कंसल्टेंट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है अपना सारा टैक्स का कारोबार जो है आज के तारीख में उनका चल रहा है। दोस्तों ध्यान रखिए कि डिपार्टमेंट आपसे ईमेल के जरिए जो है कम्युनिकेट करेगी और ये बोलना बहुत आसान है लेकिन हकीकत में ये बात होती नहीं है, लोग अपना ईमेल एक्सेस नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल के डिपार्टमेंट आपको एक मौका दे रही है कि आप अपना जो है बिजनेस डेटा डिपार्टमेंट में अपडेट करें ताकि द डिपार्टमेंट कैन स्टे इन टच विद यू, आपके साथ कॉन्टैक्ट में डिपार्टमेंट रह सके ताकि आप टाइम पे जो है रिटर्न अपना फाइल करें, क्योंकि टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उसका भी एक जो है इम्प्लीकेशन है आपके बिजनेस में। दूसरी बात की जो भी आपके अलग अलग, अगर समझ लीजिए कि बिजनेसेस अलग अलग है, राइट? आप फॉर एग्जाम्पल आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, आपकी ट्रेडिंग भी है, या आप दो अलग अलग तरीके की जो है बिजनेस करते हो, कहीं पे आप साइकिल पार्ट्स का बिजनेस करते हो तो कहीं पे आप कपड़े का बिजनेस करते हो, तो इनको सरकार कंसिडर करेगी एज बिजनेस वर्टिकल और हर बिजनेस वर्टिकल का जो है एक अलग जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपके 5 मुल्कों में 5 प्रांतों में अलग अलग ऑफिस है उनकी रजिस्ट्रेशन अलग होगी उस स्टेट में, राइट? और अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर जो वहां पे लिमिट्स हमने दिखाए थे 10 और 20 लाख वाले, उसके नीचे अगर हो तो रजिस्ट्रेशन आपके लिए जो है ऑप्शनल होगा। सरकार आपको ये आगे पकड़ेगी नहीं कि आप जो है जबरदस्ती जो है जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जीएसटीआई नंबर एक्चुअली है क्या, और ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जीएसटीआई नंबर जो है इसमें 13 डिजिट है जिसमें बीच के 8 डिजिट अगर आप देखें वो आपके पैन नंबर से जुड़ा हुआ है, वो आपके
पैन नंबर से जुड़ा हुआ है, जो लास्ट थ्री डिजिट्स है वो GSTN के सिस्टम जनरेटेड डिजिट्स होंगे, और जो पहले दो कोड है वो पंजाब का कोड है, राइट। तो आपका पैन नंबर अपडेटेड होना चाहिए ताकि आपका GSTN नंबर जो है ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाए। पिछले साल सारे डिपार्टमेंट्स, जितने भी काउंसिल टैक्स डिपार्टमेंट्स है, सभी कमिश्नर्स को बोला गया था कि पैन नंबर जो है रिवैलिडेट करवाएं। आई एम श्योर कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने जो है अपना शायद पैन नंबर भी जो है दोबारा डिपार्टमेंट से जो है डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है अपने वैलिडेशन करवाया। छोटे व्यापारी ने तो बहुत पैमाने में जो है वैलिडेशन करवाया। इस वैलिडेशन का एक ही मकसद था कि जब पैन नंबर और GSTN नंबर एक यूनिक कोड होगा बिजनेस का, इसी पे जो है रिटर्न्स आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो पैन नंबर का अपडेशन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनरोलमेंट शेड्यूल है। आज ही मैं आते आते जो है अखबार में पढ़ रहा था कि ये डेट्स जो है, जैसे पंजाब का डेट मेरे ख्याल से लास्ट के दो जो हफ्ते थे दिसंबर के, उसमें जो है रजिस्ट्रेशन चालू हुई थी। और रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि आपको इंटीमेशन आएगा डिपार्टमेंट से कि आइए और जो है यूजर नेम और अपना पासवर्ड दीजिए, और लेने के बाद gstn.gov.in जो वेबसाइट है उसमें जाके थोड़ा सा लॉगिन करके देखिए कि आपके डिटेल्स जो है बिजनेस के डिटेल्स सही है कि नहीं। ये काम आज भी जारी है। बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे रिस्पॉन्स व्यापारियों से बिजनेसेस से कुछ ज्यादा जो है इनकरेजिंग नहीं रहा है, ज्यादा पैमाने में लोग नहीं आए इसको करते हुए। तो आज ही मैं पढ़ रहा था कि काफी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनका ये डिसीजन हुआ है कि भाई इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए और इसका प्रचार हो ताकि रजिस्ट्रेशंस और बढ़े। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्ट करें, आप अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें, और जरूर GSTN नंबर जो है आप अप्लाई करें और उसको ईमेल के जरिए आप चेक करें। थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे इस टॉपिक पर, थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं बार बार एक चीज आपको बोलता आ रहा हूं, GSTN, GSTN का मतलब है GST नेटवर्क। ये GSTN असल में है क्या? ये बेसिकली एक पोर्टल है, ये एक वेब पेज है। आपका सारा, आपका तो क्या पूरे भारतवर्ष का इनडायरेक्ट टैक्स का डेटा जो है वही GSTN पोर्टल में जो है फ्लो करे। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो सरकार का ये मानना है कि हम एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यापारियों को, बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, कंपनीज को एनकरेज नहीं करना चाहते कि वो डायरेक्टली आके GSTN से इंटरेक्ट करें। तो सरकार ने क्या सोचा कि बिजनेस और GSTN के बीच में एक लेयर जो है उन्होंने क्रिएट करा, एक सर्विस एंटिटी उन्होंने क्रिएट करा जिसको कहा जाता है GST सुविधा प्रोवाइडर, शॉर्ट में GSP। तो GSP का काम क्या रहेगा सर? अगर आप आज GSTN के पोर्टल में जाएंगे, 34 कंपनियां, 450 कंपनी ने जो है एप्लीकेशन डाला था, उसमें से 34 कंपनियां जो है उनको क्वालिफाई किया गया है एज GSP। तो GSP का सबसे अहम काम क्या रहेगा? GSP का काम यह रहेगा कि आपका जो टैक्स का डेटा है वो GSTN तक पहुंचाना, आपका रिटर्न आप तक पहुंचाना, आपके पैसे GSTN तक पहुंचाना, और आपका जो रिटर्न फाइल होगा उसका चलान जो है आप तक पहुंचाना। ये GSP का काम होगा। लेकिन ये काम बहुत भारी भरकम है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखें और अगर आप फाइनेंशियल एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये GSP का काम बड़ा सेंसिटिव काम है सर। आगे चल के आप में से सब लोग जो है कोई ना कोई GSP को आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो GSP को जो है ध्यान से चुनिए, कौन सा GSP क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको जरूर समझे, अखबार GSP के वेबसाइट पे जाके जरूर समझे कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो है आप GSP को चुने। लेकिन ये मॉडल है, इस तरीके से जो है GST काम करेगा हमारे कंट्री में। एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर से डेटा निकल के जाएगा GSP पे, GSP से डेटा निकल के जाएगा GST पे। आगे चलते हैं और ये भी समझते हैं, ये भी एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि टैली जो है, टैली सॉल्यूशंस इज आल्सो अ क्वालिफाइड GST सुविधा प्रोवाइडर। तो आपका जाना माना सॉफ्टवेयर जो आपका हर अकाउंटेंट जो है इस्तेमाल करता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, देश के, भारत के व्यापारियों के लिए बनाया हुआ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज GST सर्विस प्रोवाइडर भी चुना गया है। तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है।
आगे चलते हैं और समझते हैं कि टाइप ऑफ रिटर्न्स। तो टाइप ऑफ रिटर्न्स में ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, तो हमारे जो एक्सपर्ट है यहाँ पे खड़े हुए तरुण जी से समझेंगे कि टाइप ऑफ रिटर्न्स कौन कौन से है रेगुलर डीलर के लिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कॉम्पोजिट डीलर अभी भी जो है एग्रीगेट लेवल पे अपना टैक्स फाइल करेगा, लेकिन रेगुलर डीलर के लिए टाइप ऑफ रिटर्न्स कौन कौन सी है। और जो मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बताया जो कि इनवॉइस मैचिंग का है, इनवॉइस मैचिंग हम कैसे करेंगे, उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, कौन कौन सी तारीखें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम समझेंगे तरुण जी से। थैंक यू जयसन। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि रिटर्न किस किस तरह की हमारे पास है। तो थोड़ा सा मैं वैट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज की डेट में वैट में हम लोग क्या करते हैं, या तो मंथली रिटर्न भरते हैं या हम क्वार्टरली भरते हैं। तो डिपार्टमेंट से कितनी बार इंटरेक्शन हो रहा है साल में, अगर मंथली है तो 12 बार और क्वार्टरली है तो 4 बार प्लस एक एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो मोटा मोटा 5 बार अगर क्वार्टरली है और अगर मंथली है तो 13 बार। तो जीएसटी में बढ़ने वाला है, तो कैसे बढ़ने वाला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले हम रिटर्न देख लेते हैं कौन कौन सी रिटर्न बनती है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहली है सर, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि अब हमने इन्हीं के साथ बातचीत करनी है, ठीक है ना। तो GSTR1, अब सर ने एक बात और कही थी कि GSTR में लैंग्वेज चेंज है, परिभाषा चेंज हो गई है, बिल्कुल। तो कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है, क्या है, सप्लाई आउटवर्ड है और सप्लाई इनवर्ड है। तो पूरे लॉ में सप्लाई नहीं बताया गया, सेल नहीं बोला गया ना परचेज बोला गया, इस चीज को ध्यान से समझिए। GSTR1 ये सर हमारी मंथली रिटर्न है और किसकी है, ये सेल आउटवर्ड की, सप्लाई आउटवर्ड की। तो कब जानी है, अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को अगर लॉ आ जाता है तो सब्सिक्वेंट मंथ मींस की मई की 10 तारीख को हमें अपनी ये पूरी सेल सप्लाई आउटवर्ड चढ़ानी है, इसको हम क्या बोलेंगे, GSTR1, ठीक है सर। तो GSTR1 जो पहली रिटर्न है 10 तारीख को जारी है। देन बीच में जहां पे 2 लिखा ना, जहां पे 2A लिखा, ध्यान से देखना सर, 2A लिखा है, ये क्या है, ये सिस्टम जनरेट करके दे रहा है। ये कैसे दे रहा है मैं आपको आगे अच्छी तरह समझाऊंगा, पर अभी बता देता हूँ, ये ऑटो पॉपुलेटेड होगी, ठीक है, ये ऑटो सिस्टम बना के देगा। और ये सिस्टम कब बना के देगा, 11 तारीख को। क्यों, क्योंकि 10 तारीख को आपके नाम पे किसी ने सेल चढ़ा दी है और 11 तारीख को बायर को नजर आएगी उसके सिस्टम में कि मेरे सप्लायर ने ये रिटर्न अपलोड कर दी है, तो 2A ऑटोमेटेड बन के आएगी। तो जैसे भी सर बोल भी रहे थे कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टोटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है, तो इसको जरा समझने की जरूरत है हमें। देन आगे चलते हैं, अब 2A आ गई मेरे पास, मुझे क्या करना है, इनवॉइस मैचिंग, क्योंकि इनवॉइस मैचिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ITC पूरा का पूरा इनवॉइस मैचिंग डिपेंडेंट है। तो आप देखेंगे ये कब जाना है, GSTR2 15 तारीख को डालना मुझे, मतलब 15 मई को अपलोड करना है, ठीक है, रिकनसाइल करके। मुझे 5 दिन का जो गैप दिया गया वो इसीलिए दिया गया, रिकनसाइल करनी है, ठीक है। GSTR1 इज फॉर आउटवर्ड सप्लाई, GSTR2 इज फॉर इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 1A क्या है सर, मैंने ए बोला था ना, जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, ये सिस्टम बना के देगा उनको अपने आप ही। तो ये कब बना के देगा, 16 तारीख को, ये किसको नजर आएगी, सप्लायर को। क्यों, क्या हो, कभी गलती भी हो सकती है, क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, मैंने GSTR1 तो चढ़ाई पर मैंने 10 इनवॉइस चढ़ाने थे, चढ़ाए मैंने 8 ही, पर मेरा बायर ने 2 इनवॉइस चढ़ा दिए। तो ये 16 तारीख को बन के आएगी और ये सप्लायर को नजर आएगी, तो सप्लायर ने भी मैच करना है, क्योंकि मैचिंग हर स्टेप पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ITC इसी पे डिपेंड करता है। तो वन बन के आ जाएगी आपकी 16 तारीख को, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट GSTR3। तो वैट में सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जीएसटी वैट फाइल करने की, ऑनर्स की। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट भी नहीं जीएसटी कह रहा है, सर कोई चक्कर नहीं है, आप अपने सेल पते चढ़ा दो, रिटर्न मैं बना के दूंगा, आपका आधा काम मैं कर दूंगा, आप सिर्फ अपना बिजनेस कीजिए। तो इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, कौन बना के दे रहा है, GSTN। तो अपलोड करने से पहले हमें हर चीज को चेक करना है, क्योंकि जब ये रिटर्न बन गई और आपने कहा कि नहीं ये तो मेरा रह गया वो रह गया, वो कहानी खत्म हो गई। तो इसको आप पूरा ध्यान से समझिए, ये GSTR3 20 तारीख को बन के आएगी आपकी, और ये डिपार्टमेंट बना के GST काउंसिल आपको बना के देगा, ठीक है। GSTR3A ये भी ऑटोमेटेड है, अगर आपने जैसे सर ने कहा ना कि ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सर, स्मार्टफोन सब यूज करते हैं,
अगर मेल कॉन्फ़िगर नहीं है तो मेल कॉन्फ़िगर कर लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे इसी तरह से बात करने वाला है। तो कंप्यूटर बाबा ही है जो हमारा आधार करेंगे इसमें। तो ये बन के आएगी ऑटोमेटिक, ये कब आएगी, जब मैंने रिटर्न बनाई नहीं या गलत बनाई, ये नोटिस आ जाएगा मेरे को। GSTR 9A ये एनुअल रिटर्न है, ये अगर अप्रैल फर्स्ट को आया था तो 2018 दिसंबर में मुझे फाइल करनी होगी। तो कितनी रिटर्न होगी सर, कोई बता सकता है? मैंने ये रिटर्न बताई है कितनी होगी सर? सर ये मंथली बात कर रहा हूँ मैं, कितनी होगी सर? 30 सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। तो 37 रिटर्न होगी आपकी। अभी कितनी बात कर रहे थे हम लोग, 5 कर रहे थे अगर क्वार्टरली है, मंथली तो 12 या 13 बात कर रहे थे, अब हो गया 37। कैसे सर? 3 महीने की होगी ये 36 और एक एनुअल रिटर्न, तो 37 बार। इंट्रैक्शन लेवल देखिए सर कितना बढ़ गया है, 10 तारीख को आपने 15 तारीख 20 तारीख, ये तो याद करनी पड़ेगी। इंट्रैक्शन देखिए सर, इंट्रैक्शन कंप्यूटर बाबा, तो कंप्यूटर से ही बात होनी है, सब कुछ सारा कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है। तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज ही होने वाला है। और आप सबको अभी जैसे सर ने फिर कहा है, फिर से एक बार बोलता हूँ, स्मार्टफोन सबके पास है, ईमेल कॉन्फ़िगर कर लीजिए, क्योंकि बात उसी से होनी है, आपकी मेल आएगी, मेल पे ही आपने जवाब देना है सब कुछ। तो एक एग्जांपल जो पूरा टेक्नोलॉजी जो अभी समझाने की कोशिश की ना किस तरह जवाब, तो मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है, इस एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा ज्ञान आ जाएगा हमें टेक्नोलॉजी का, क्या टेक्नोलॉजी डिपेंड करने वाली है पूरी जीएसटी में। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या समझ, अपने आप को यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक सुपर कार लिमिटेड का बिजनेस का काम कर रहे हैं। एक और चीज, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सब क्या है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात करते रहेंगे ना तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो इंट्रैक्शन डाउन हो जाता है, टाइम कम है, फिर जल्दी कंटिन्यू करूंगा। तो हम सब सुपर कार का काम कर रहे हैं, ठीक है सर, सुपर कार लिमिटेड का हम काम कर रहे हैं। अब मेरा सप्लायर भी है, तो रत्ना स्टील है मेरा सप्लायर है, ठीक है सर। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में बिजनेस कर रहे हैं, तो सर एक इनवॉइस कटा 6 नंबर का, 1,20,000 की लिमिट है और 20,000 मैंने इसमें जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। वैसे आपको रेट पता सर जीएसटी का क्या रेट है? किसी को नहीं पता सर, मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैंने 20% लिया है यहाँ पे, 20% आया नहीं, कैलकुलेशन के लिए लिया मैंने, आसानी हो जाती है। 18% बता देता हूँ, 5%, 12%, 18% और 28% है, ये 4 रेट्स हैं। मैंने 20% लिया, 20% रेट नहीं है, ठीक है सर। बुक्स आ गई, तो सर परिभाषा चेंज है, तो बुक्स में अब कौन सी रजिस्टर होंगे हमारे पास? सेल परचेज रजिस्टर नहीं होंगे, कौन से रजिस्टर होंगे? आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर और इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर, ठीक है सर। अब इन्होंने एक इनवॉइस भेजा, और इस तरह मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ कि इन्होंने 4 इनवॉइस भेजे, ठीक है सर। ग्राफिक्स काम नहीं कर रहे हैं इसमें, वही अपना लैपटॉप कर दो, लैपटॉप चेंज करना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, और ये ग्राफिक्स चल नहीं रहे इसमें, नहीं आ रहा प्रॉपर, देखना ये करेक्ट करके। विष्णु मोटर्स को, ठीक है, तो विष्णु मोटर मेरा क्या है? बायर है, ठीक है, तो मैंने भी उनको इनवॉइस कर दिया, तो मैंने भी उनको 4 इनवॉइस कर दिए। तो ये कहाँ आ गया? मेरे आउटपुट सप्लाई रजिस्टर में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अप्रैल के बिजनेस में हमने ये बिजनेस किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या तारीख आएगी सर? मई की 10 तारीख, तो मई 10 को क्या करना सर हमने? रिटर्न, बिल्कुल सर, क्या पर कौन सी रिटर्न सर? आउटपुट, वेरी गुड, पर नंबर क्या सर उसका? वेरी गुड सर, वेरी गुड, तो सब लोग जीएसटी समझ गए सर, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जीएसटी 1, ठीक है, तो 10 मई को जीएसटी 1 अपलोड करनी है,
तो रत्ना स्टील ने भी कर दी क्योंकि उन्होंने सप्लाई किया, मैंने भी, ठीक है। अब ये क्या ऊपर नजर आ रहा सर, जीएसटी एन पोर्टल कंप्यूटराइज है पूरा, तो ये जीएसटी एन पोर्टल है जहां पे आपको अपलोड करनी है थ्रू जीएसपी, ठीक है भाई, अपलोड कर देना। ये 10 तारीख को अपलोड हो गई, ठीक है सर। अब 11 तारीख को क्या होना है सर, सर बात करेंगे तभी मजा आएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, जब आप बोलेंगे क्या होगा सर 11 तारीख को सप्लाई वर्ड नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने टू ए, बहुत बढ़िया सर, तो टू ए बन के आएगी यहाँ पे, क्यों मैचिंग है ना, किसको नजर आएगी टू ए, रत्ना स्टील ने भेजी है सुपरकार को, तो सुपरकार को नजर आएगी टू ए बन के। अब देखो आप देखना यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, मैचिंग करने चलो रोहित मैचिंग करते फिर दिखाते हैं। तो पहला इनवाइस भेजे थे तो इन्होंने मेरे को 4 इनवाइस भेजे थे, पर मेरे उन्होंने पोर्टल में कितने चढ़ाए, 3 चढ़ाए, एक नहीं चढ़ाया 6 नंबर, तो मैच नहीं किया। तब मैं क्या करूंगा, मुझे मैच करना है ना, मुझे तो आईटीसी चाहिए उसका, मैंने तो माल खरीदा है, मुझे तो मेरा आईटीसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 11 तारीख को ऐड कर दूंगा, ठीक है। और 15 तारीख को क्या करना है सर, वेरी गुड सर, GSTR2, तो GSTR2 15 तारीख को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये अपलोड हो गई। अब बहुत जबरदस्त चीज लिखी हुई है सर यहाँ पे, नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के बता रहा, प्रोविजनल आईटीसी, इसको समझना बहुत जरूरी है, प्रोविजनल आईटीसी क्यों लिखा है, वो आगे बताता हूँ आपको। 15 तारीख को मेरे को 45,000 का प्रोविजनल आईटीसी मिल गया, 16 तारीख आ गई, 16 तारीख को क्या होगा सर, 1A बनेगी ऑटोमेटेड, सिस्टम बना के दे रहा है, तो 1A कहाँ नजर आएगी, मेरे सप्लायर को, कि मैंने उसके नाम पे बिल चढ़ा दिया है, तो देखेगा अच्छा गलती से रह गया मेरे साथ, तो उन्होंने भी ऐड कर लिया मैच कर ली, तो क्या हो गया पूरा पूरा फ्लो मैच हो गया यहाँ पे। अब 20 तारीख को क्या होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो मैच करके छोड़ देना है, 20 तारीख को डिपार्टमेंट जीएसटी कौनसल आपको रिटर्न देगा, 20 तारीख को क्या बन के आएगी हमारी सबकी GSTR3, ठीक है सर, और GSTR3 बन के आएगी 20 तारीख को ही मुझे पेमेंट करनी है, बिल्कुल ठीक है, तो ये मैंने पेमेंट कर दी। अब 21 तारीख को मैंने कहा था ना सर प्रोविजनल है, 21 तारीख को क्या होगा भाई, आप चेक करना एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी 45,000, क्या ये बन जाएगा आईटीसी वन 21 तारीख को बन के आ जाएगा, क्यों बन के आ जाएगा, क्योंकि मेरे सप्लायर ने पेमेंट कर दिया तो मुझे मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मोबाइल ठीक, ये मिल गया आईटीसी का बंद नहीं, राइट। सो दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आयोजकों का जो कहना है वो ये कि भाई एक और पैनल जो है तैयार बैठिए एक दूसरा डिस्कशन लेने के लिए, तो शायद हमको जो है संक्षेप में इस सेशन को जो है ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर दर्शक चाहे तो हम शायद जो है और थोड़ा विस्तृत जानकारी हम दे पाए, लेकिन वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ जी, कंटिन्यू करें, ठीक है, उसके बाद लंच फिर नेक्स्ट सेशन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत आभारी आपके कि आप लोग जो है सेलर, मैंने कहा कि आपके ऊपर जो है या आपके पीछे जो है अगर वो कंप्लायंट नहीं है तो आप भी कंप्लायंट नहीं हो, आपका टैक्स जो है वो प्रोविजनल बन के रह जाएगा, वो आप एलिजिबल नहीं होंगे उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो सबसे पहले जो है अगर आप ग्राफिक में देखें तो सेलर जो है वो सरकार को टैक्स जो है कर का रकम जो है पहले जमा करेगी, उसके बाद जो है बायर को इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो ये खेल जो है ये खेल हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर हम आगे बढ़े और देखें कि बायर गेट्स इनपुट क्रेडिट इफ सेलर पेज जीएसटी, इसका क्या मतलब हो कि कस्टमर को तभी इनपुट क्रेडिट मिलेगा जब सप्लायर जो प्राइमरी सप्लायर है वो जो है जीएसटी में कर का रकम जमा करता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बायर या कस्टमर को तभी मिलेगा जब सप्लायर जो है जीएसटी का रकम भरेगा, नहीं तो उसको नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्बिट्री क्रेडिट, तभी मिलेगा आपको जब आपका सप्लायर जो है कंप्लायंट है। आगे बढ़ते हैं, ये छोटा सा स्लाइड है लेकिन ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव स्लाइड है, वो इसलिए क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का टैक्स जो सेट ऑफ होगा अगेंस्ट कोई दूसरा टैक्स उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके नियम कौन से हैं, उसके तौर तरीके कौन से हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीजीएसटी। तो आपको सीजीएसटी अवेयर करना है, तो सीजीएसटी का सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा सीजीएसटी के साथ। अगर उसमें कुछ बाकी रहा तो वो एडजस्ट होगा आईजीएसटी के साथ। तो ये पहला नियम है। अगर आपको एसजीएसटी जो है, एसजीएसटी आपके पास है, आपको उसको जो उसका जो है कंपोनेंट जो है उसका अमाउंट जो है वो आपको सेट ऑफ करना है किसी दूसरे इनपुट टैक्स से, तो एसजीएसटी का सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा एसजीएसटी के साथ। उसके बाद कुछ अगर बचा रहा तो वो एडजस्ट होगा अगेंस्ट आईजीएसटी। और अगर आप इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी एडजस्ट करना है, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स जो है अवेल करना है, तो आईजीएसटी का सबसे पहले एडजस्टमेंट होगा अगेंस्ट आईजीएसटी, जो बचा रहेगा वो होगा अगेंस्ट सीजीएसटी, और उसके बाद भी अगर कुछ बचा रहा तो वो फाइनली होगा अगेंस्ट एसजीएसटी। तो तीन नियम है एडजस्टमेंट के, यही बेसिस पे सिस्टम आपका रिटर्न जनरेट करेगी, इसी बेस पे सिस्टम आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कैलकुलेट करेगी। सीजीएसटी अगेंस्ट सीजीएसटी, जो भी बचा रहा अगेंस्ट आईजीएसटी, एसजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी, जो भी बचा रहा है अगेंस्ट एसजीएसटी, और आईजीएसटी का ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले लॉक ऑफ होगा अगेंस्ट आईजीएसटी क्रेडिट या इनपुट जो भी आपने अवेल किया है, और जो बचा रहेगा वो पहले सेंटर के अगेंस्ट नॉक ऑफ होगा, उसके बाद जो है स्टेट लेवल टैक्स के अगेंस्ट जो है नॉक ऑफ होगा। आगे बढ़ते हैं इसके आगे कि अगर हम ये सेशन में देखें तो हमने क्या क्या देखा कि हमने देखा कि भाई जीएसटी की रिटर्न जो है कितने तरीके के हैं, उनकी फाइलिंग कैसे होती है, उनका इनवॉइस मैचिंग का जो है रूल क्या है, और आगे हमने ये भी देखा कि जो अलग अलग तीन जो टैक्सेस है उनकी इनपुट टैक्स की जो क्रेडिट का जो कॉम्पोनेंट है उसको हम जो है कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके आगे हमारा सेक्शन जो है वो है इंपैक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब जीएसटी का जो है आपके बिजनेस पे जो है क्या असर है। तो कुछ कुछ एग्जांपल से हम आपको इसके बारे में जो है बताएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मोटे तौर पे अगर हम देखें जीएसटी का इंपैक्ट आपके बिजनेस पे होगा आपके कैश फ्लो पे, आपके कंप्लायंस रेटिंग पे, नया शब्द है, नया फ्रेज है, कंप्लायंस रेटिंग क्या है वो भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, आपके प्रोविजनल क्रेडिट पे, प्रोविजनल क्रेडिट का क्या मायने हुआ कि जो स्टॉक जिस दिन से जीएसटी लागू होगा, समझ लीजिए 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होगा, तो प्रोविजनल क्रेडिट का यह अर्थ हुआ कि 1 अप्रैल से पहले तक का आपके पास जो स्टॉक है, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वेदर इट इज गुड्स इन ट्रांसिट, वेदर इट इज अनफिनिश्ड मटेरियल, वेदर इट इज मटेरियल बीइंग प्रोसेस्ड या फिनिश्ड गुड्स, जो भी आपके पास स्टॉक है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उस पे आपने जो टैक्स पे किया है उसका इनपुट क्रेडिट आपको जीएसटी के रिजिम में कैसे मिलेगा, उसको बताया जा रहा है, कहलाया जा रहा है एज प्रोविजनल क्रेडिट, उसका एक ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट का जो है आपके बिजनेस पे जो है इम्प्लीकेशन है। लास्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो वैट और जीएसटी है उसका जो है आपके बिजनेस पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, वैट जो आपने पे किया है, जीएसटी जो आप पे करने जा रहे हैं, और एक नई चीज जीएसटी रिजीम में जो आपके बिजनेसेस के फर्दरेंस में, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एक कहावत है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपके व्यापार के लिए आपके जो खर्चे हो रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट जो है जीएसटी में क्या होगी। तो ये 5 विषय है जो आपके बिजनेस में इंपैक्ट होंगे, इससे और भी कई ज्यादा है लेकिन ये 5 मेन है, तो ये संभव नहीं होगा हमारे लिए कि ये 5ों पे जो है हम बहुत डिटेल में आपके साथ बातचीत करें, 2-3 विषयों पे जरूर हम जो है फोकस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कंप्लायंस रेटिंग, जो एक नई चीज मैंने आपको बताई, इसका क्या महत्व है, ये आपके बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों कंप्लायंस रेटिंग का ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जो सिस्टम ऑफ रिटर्न है, जो रिटर्न का कैलकुलेशन है, जो आज के तारीख में आप मैनुअली कर रहे हो या किसी सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, ये आगे चल के कंप्यूटर सिस्टम जो है, सरकार का जो सिस्टम है, वो आपके लिए रिटर्न जनरेट करेगी। आपको बताएगी कि बॉस इस महीने आपको 6,123 रुपए जमा करना है। अगर आपने जमा कर दिया तो आप कंप्लायंट हो गए, लेकिन आपने जमा नहीं किया तो आप नॉन कंप्लायंट हो गए। अगर आपने लगातार जमा नहीं किया तो आप लगातार नॉन कंप्लायंट रहोगे, और उस पर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, आपको एक रेटिंग देगी। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले साल इनकम टैक्स भरा और डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट मिला, ब्रॉन्ज या प्लैटिनम का, किसी को मिला? किसी को मिला? जो सॉरी, किसी को पता ही नहीं है। जो पर्सनल इनकम टैक्स, जैसे मैंने भरा पर्सनल इनकम टैक्स, तो मेरे को
जो सीपीसी है सरकार का, वो डिपार्टमेंट जो पर्सनल एसेसीज का जो है इनकम टैक्स का मुआयना करती है, उस डिपार्टमेंट ने मेरे को एक सर्टिफिकेट भेजा दोस्तों। बड़ा अच्छा लगा कि भारत के नागरिक होने के नाते एक सर्टिफिकेट मेरे को मिला सरकार से कि आप कंप्लायंट हैं, आपने कर भरा है। और उसके लिए सरकार के तीन तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, एक ब्रॉन्ज है, एक सिल्वर है और एक प्लैटिनम है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स स्लैब में हैं, उसके बेसिस पे सरकार ने आपको जो है इंटीमेशन दिया हुआ है। कंपनी मेरे को तनख्वाह देने के टाइम पे टीडीएस काट के जो है तनख्वाह देती है। आज मेरे मोबाइल फोन में हर तीन महीने में जो है डिपार्टमेंट से मेरे को एक एसएमएस मिलता है कि पिछले तीन महीने में आपके कंपनी ने आपके खाते में इतना टीडीएस जमा किया है। ये सारी चीजें पहले नहीं थी सर। तो जीएसटी के पोर्टल पे आपके फर्म के नाम की एक रेटिंग हो, जितनी अच्छी रेटिंग आपकी उतने ज्यादा सप्लायर और कस्टमर आपके साथ डील करेंगे। अगर आप नॉन कंप्लायंट हो तो आपकी रेटिंग कम होगी, कम से कम लोग आपके साथ व्यापार करना चाहेंगे। तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप अपनी कंप्लायंस कैसे मैनेज कर रहे हो। जितनी स्मार्टली, जितने प्रोफेशनली और जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपना कंप्लायंस मैनेज करोगे, उतनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी। ध्यान रखना, रेटिंग के मामले में मैंने तीन चीजें बताई थी, करेक्टनेस मतलब संपूर्ण तरीके से सही रिटर्न, दूसरी बात टाइमली समय पर रिटर्न भरना, और तीसरी बात कंप्लीट रिटर्न, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आधा अधूरा रिटर्न आप नहीं भर सकते हो। अगर सरकार आपको बोल रही है कि 6,123 रुपए भरना है, आप सोचो कि नहीं नहीं इसको राउंड ऑफ करके भर देते, तो वो काम नहीं चलेगा, आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। तो नॉन कंप्लायंस एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है आपके बिजनेस में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका जो है, अगर आप लगातार जो है नॉन कंप्लायंट रहेंगे तो आपकी जो जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये रजिस्ट्रेशन और टाइमली रिटर्न फाइलिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। हम फायदे में रहेंगे अगर हम कंप्लायंट रहेंगे। तो आगे चलते हैं, ये एक विषय है जो शायद हमसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी, राजीव जी बैठे यहाँ पे, उनके नॉलेज में शायद ये जो है उनके डोमेन में है, उनके एक्सपर्टीज में जो है ये टॉपिक है। लेकिन थोड़ा सा मैं वक्त जाहिर करूंगा आपका इस टॉपिक के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए। मोटे तौर पे कैलकुलेशन बड़े सिंपल है, नंबर पे मत जाइएगा। मोटे तौर पे कानून क्या बोल रही है आज की तारीख में, व्यापार के बढ़ोतरी के लिए अगर आप कुछ खर्चा कर रहे और अगर उस खर्चा करने में जो आपके सर्विस प्रोवाइडर का बिल आ रहा है, अगर वो एक जीएसटी कंप्लायंट बिल है, अगर वो एक जीएसटी कंप्लायंट बिल है, देन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज द टेक्निकल टर्म, राजीव जी सही बोला मैंने, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे आपका जो एक्सपेंडिचर है उस पे आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, अवेल कर सकते हो। अभी आप एक चीज सोचो कि आप में से बहुत लोग हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपके डाउनस्ट्रीम सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारतवर्ष में डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेट मार्जिन है सर, 2.5 से 3% के ज्यादा आज तक नहीं गया पिछले 60 साल में। इतने कम मार्जिन में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है सिर्फ अपने स्टॉक के रोटेशन पे जो है निर्भर है अपने कमाई के लिए। जितना उसका स्टॉक रोटेट करता है महीने में, साल में, क्वार्टर में, उतनी ज्यादा उसकी कमाई है। लेकिन सर डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे भी बहुत है, गाड़ी लगाना पड़ता है, लड़के लगाने पड़ते हैं, पेट्रोल का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है, डैमेज का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, फायर एंड थेफ्ट का खर्चा है, वेयर हाउसिंग का खर्चा है। इन सारे एक्सपेंसेस पे आज डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फायदा नहीं है सर, ये सारा खर्चे की बातें नहीं है। लेकिन कल जाके अगर डिस्ट्रीब्यूटर इन सारे एक्सपेंसेस में जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कहीं बेहतर हो जाएगी, उसकी कैश फ्लो जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये आपके इंटरेस्ट में है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर और अपने रीसेलर्स को जाके ये बात बताएं कि वो जीएसटी कंप्लायंट हो, क्योंकि तब वो फायदे में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बात मैंने पहले भी छेड़ी,
कि आईटीसी ऑन क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद है लुधियाना जैसे शहर में, बहुत हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग सिटी है ये, तो आप में से बहुत लोग जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, आपके पास फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है कॉम्पोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप जो है कैरी करते हो। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको उसी स्टॉक पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जिसकी आपने अकाउंटिंग करी हो विद प्रूफ ऑफ सप्लाई इन द लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में जितनी भी आपकी स्टॉक इन्वर्ट हुई है जिसके लिए आपके पास इनवॉइसेस मौजूद है, परचेज इनवॉइसेस, सिर्फ उसी पे जो है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जो है मिलेगा। तो दोस्तों तैयारी जीएसटी की क्या है, तैयारी ये है कि स्टॉक पे नजर रखे, स्टॉक के एजिंग पे नजर रखे, वो चंद रिपोर्ट निकाले जो आपके स्लो मूविंग इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई कर सके, वो रिपोर्ट में जरूर गौर फरमाए जो स्टॉक जो है आपका डैमेज पड़ा है, अनसोल्ड पड़ा है, पुराना स्टॉक है, लेते आए हो, चलते आए हो, आप कौन से गोडाउन में पड़ा है आपको वो भी पता नहीं है। कल आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी पड़ेगा और इसका इंफॉर्मेशन का सही उपयोग जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि दोस्तों इंप्लीकेशन मोटे तौर पे क्या है कि आपके आपका बिजनेस चेंज कैसे होगा। चेंज इस तरीके से होगा कि सर रेटिंग देख के आपके सप्लायर कस्टमर के पास भी जो है एक चॉइस हो जाएगी, उनके सामने भी जो है सरकार जो है एक चॉइस प्रोवाइड करेगी कि भाई ये 4-स्टार बिजनेस है, ये 2-स्टार बिजनेस है, अब चॉइस आपकी है आपको किसके साथ जो है व्यापार करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट सर। तो कंप्लायंट होइए, टेक्नोलॉजी को अपनाइए, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को अपडेट कीजिए, ऑटोमेट कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट कीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिंगल एंट्री का जमाना गया सर, बिल्टी का जमाना गया, ट्रांसपोर्टर को बगैर इनवॉइस का माल देने का जमाना गया, अभी हर चेन को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर पूरा चेन आपका जो है अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अगर आपका बगल वाला व्यापारी 18% का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो, आपकी प्राइसिंग आपकी कॉस्टिंग सफर करेगी। तो ये तौर तरीके हमको बदलने होंगे। आगे चलते हैं। तो ये हमने सीखा कि बिजनेस पे आपका क्या इंपैक्ट है, काफी सारे 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए, सारे पॉइंट्स हमने जो है डिटेल में नहीं देखा, लेकिन इनपुट टैक्स ऑन टैक्स क्रेडिट ऑन एक्सपेंसेस और रेटिंग वाली बात जो है उस पर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ये हमारा लास्ट सेक्शन है कि एज ए बिजनेसमैन व्यापारी होने के नाते हमको क्या करना चाहिए जीएसटी के लिए तैयार होने के लिए। तो हमारे पॉइंट्स इसमें क्या है, सबसे पहली बात कि ऑब्वियसली आपको कंप्लायंट होना है, उसके बाद कि आपको जो कंप्लायंट आपके सप्लायर्स और आपके कस्टमर्स जो है आपको उनको भी एनकरेज करना पड़ेगा टू बिकम कंप्लायंट, और इसमें एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है और अगर आपके 60 वेंडर है और 600 सप्लायर है, तुरंत उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको कानून समझाइए। दोस्तों ये एक इतना बड़ा चेंज है, ये एक इतना बड़ा चेंज है कि हमने वैट के टाइम पे भी जो है कई जो है वक्ता यहाँ पर बोल के गए कि टैली जो है वैट के टाइम पे भी जो है व्यापारियों को हमने बहुत हेल्प किया था, लेकिन हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि सर छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है हमारे देश के, अगर उनको हमने जाके एडुकेट नहीं किया, अगर उनको हमने जाके जो है इस बात इस जीएसटी के कानून के बारे में सही विस्तृत जानकारी अगर हमने नहीं दिया तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा सर, their business will come to a standstill। इस बात को हमें समझना जो है बहुत important है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमको क्या करना चाहिए कि अगर हमको GST में जो है transition करना है, तो सबसे पहले हमें books of account और जो return file कर रहे हैं हम उसकी accuracy जो है हमको build करनी पड़ेगी। इसके आगे कि हमारे जो tax credits है उसकी details जो है हमारे stock existing stock की accounting जो है करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और टैक्स फाइलिंग के टाइम में 3 चीज मैंने बताया, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड टाइमली। आगे बढ़ते हैं कि ये लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा आप नोटिस करें,
कि जीएसटी इज अ ट्रांजैक्शन लेवल टैक्स, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसोलिडेटेड टैक्स नहीं है। आज हमारे छोटे व्यापारी अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख है तो टैक्स भरने से पहले वो टैक्स कंसल्टेंट को फोन करते हैं कि इस महीने कितना भरना है। जब आप एक इनवॉइस लेवल कंप्लायंस सिस्टम की तरफ आप जा रहे हो तो ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इनवॉइस की एक्यूरेसी जो है आज से बहुत अधिक जो है होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। आज हमारे व्यापार का क्या नियम है, सप्लायर हमको इनवॉइस देता है, वो इनवॉइस कहाँ जाता है, दराज में जाता है, फाइल में जाता है, इनवॉइस की एंट्री होती है, इनवॉइस की एंट्री होती है, इनवॉइस एंटर नहीं होता है सर, इनवॉइस की एंट्री होती है और जिस और एक खाते में नोट किया जाता है कि इसकी पेमेंट डेट कब है। सप्लायर हमको फोन करता है 3 बार 4 बार, उसके बाद एक चेक बनता है, या तो कंसोलिडेटेड चेक या बिलवाइज चेक, वो चेक जो है सप्लायर को जाता है। सर मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं ये हमको तरीका बदलना पड़ेगा, वी हैव टू शिफ्ट टू द अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे हमको इनवॉइसेस को रियल टाइम में प्रोसेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका सप्लायर इनवॉइस रेज करते ही जो है उसको अपलोड कर रहा है जीएसटीएन के सिस्टम में, तो अगर आप उसको फाइल या दराज में डाल के बैठ जाएंगे 60 दिन के लिए तो काम नहीं चलेगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है आप अवेल नहीं कर पाओगे, तो आपको आपका परचेज इनवॉइस जो है रियल टाइम में आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। आगे चलते तो इसके लिए सॉफ्टवेयर का एडॉप्शन, जीएसटीएन का अंडरस्टैंडिंग और डेटा का जो इंटरेक्शन होगा जीएसटीएन के साथ, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बहरहाल दोस्तों मेरे ख्याल से भूख सभी को बहुत जबरदस्त लगी है, टॉपिक बहुत बड़ा है और जैसे मैंने कहा बहुत बहुत ही चर्चित टॉपिक है आज की तारीख में। हमारी कोशिश ये थी कि भूखे पेट में जो है थोड़ा सा आपको जीएसटी के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें। फिलहाल बिफोर एंडिंग मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि वी हैव एन ऐप विच इज कॉल्ड टैली फॉर जीएसटी, इसको एंड्रॉयड या एप्पल आई स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, फ्री ऐप है। इस ऐप में आपको दो अलग अलग चीजों की जानकारी मिलेगी। अगर आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना है तो हम रेगुलरली ब्लॉग्स के जरिए लोगों को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वही ब्लॉग जो है जीएसटी के ऐप में आपको दिखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दिखेगी कि उसमें एक कैलेंडर है, कैलेंडर में कोई भी तारीख अगर आप क्लिक करेंगे तो पंजाब के कोई ना कोई शहर में टैली किसी ना किसी ऐसे एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है जहां पे हम कोई ना कोई इवेंट कर रहे हैं, तो जरूर आप उस इवेंट में आइए। आप आपके सप्लायर, आपके वेंडर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी रीसेलर्स उसमें अब जो है आके कुछ भी जानकारी लेना चाहे वो निशुल्क है, कोई उसमें खर्चा नहीं है। जरूर हमारे लोकल टीम से जो है कॉन्टैक्ट करें और आके पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका कि आपने अटेंड किया। कोई भी जानकारी चाहिए प्लीज हमको आके जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।